गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि विंडोज 7 में आप अपने डेस्कटॉप की जो बैकग्राउंड इमेज है उसको अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर पूरी तरीके से फिट कैसे कर सकते हैं। जैसे गाइस अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी डेस्कटॉप की बैकग्राउंड इमेज है वो डेस्कटॉप की स्क्रीन पर पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ रही। इस तरीके इस यहाँ से खाली है, इस तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ से भी खाली है। तो गाइस इस इमेज को डेस्कटॉप की पूरी स्क्रीन पर कैसे फिट बिठाएं आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस इमेज को डेस्कटॉप की स्क्रीन पर पूरी तरीके से फिट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पर आना है। यहां पर आपको यहां पर स्टार्ट मेन्यू में जाना है, यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहां पर राइट हैंड में आना है। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंट्रोल पैनल का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आपको राइट हैंड में आना है। यहाँ पर आपको ऊपर से दूसरा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखाई देगा पर्सनलाइजेशन, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइज आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ये जो पर्सनलाइजेशन की सेटिंग्स है वो ओपन हो चुकी है। गाइज आप यहाँ पर इस वाले पेज पर आप एक आसान तरीका भी आपको बताऊंगा इस वाले पेज पर आप डायरेक्टली कैसे पहुंच सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताता हूं, पहले इसके लिए हम इसको क्लोज करेंगे। तो गाइज उस पेज पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आपको अपने डेस्कटॉप पर आना है। यहां पर कहीं पर भी खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद गाइज आपको नीचे आना है, जो लास्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है पर्सनलाइज, इस पर क्लिक करेंगे। तो गाइज आप देखेंगे कि हम उसी पेज पर डायरेक्टली यहां पर आ चुके हैं। तो गाइज आप ये जो मैंने अभी तरीका बताया वो सिंपल तरीका है इस वाले पेज पर पहुंचने का, ठीक है। इस वाले पेज पर पहुंचने के बाद गाइज आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड का, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर डेस्कटॉप की कुछ इमेजेस देखने को मिलेगी, बैकग्राउंड इमेजेस, ठीक है। जो इमेज अभी सिलेक्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद गाइज अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पिक्चर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो देखने को मिलेगी, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है उस पर जो ऑप्शन सिलेक्ट है वो है अभी क्या बोलते हैं फिट, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट है। तो चलिए गाइज हम इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है सेंटर, इसको सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं डेस्कटॉप पे क्या चेंज आया है। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं हमारी जो डेस्कटॉप की बैकग्राउंड इमेज है वो पूरे डेस्कटॉप पे फिट बैठ चुकी है, लेकिन ये जो हमारी इमेज है वो जूम हो चुकी है, पूरी इमेज नहीं आ रही। चलिए हम दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है टाइल का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि हमारी अभी भी जो इमेज है वो डेस्कटॉप पर पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ रही है। चलिए गाइज दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास क्या बचा है, अभी हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो है स्ट्रेच और फिल का, ठीक है। ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट था, तो चलिए हम ये जो पहला ये वाला ऑप्शन है फिल, इस पर क्लिक करते हैं। तो गाइज अभी आप देखेंगे कि हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है कुछ हद तक डेस्कटॉप पे अच्छी तरीके से फिट बैठ गई है। तो चलिए गाइज जो लास्ट ऑप्शन बचा है उसको सिलेक्ट करते हैं। अभी जो ऑप्शन बचा है वो है स्ट्रेच, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो गाइज अभी आप देखेंगे कि हमारी जो डेस्कटॉप पर जो बैकग्राउंड इमेज है वो पूरी अच्छी तरीके से डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है उस पर फिट बैठ चुकी है। तो गाइज इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो ये जो स्ट्रेच वाला ऑप्शन है वो काफ़ी अच्छा है, जिससे हमारे डेस्कटॉप की जो बैकग्राउंड इमेज है वो डेस्कटॉप पर अच्छी तरीके से फिट बैठ सकती है। तो गाइज ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है उसको अच्छी तरीके से फिट बैठाने के लिए। तो चलिए ये हमने इस ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो गाइज आपकी जो इमेज है वो डेस्कटॉप जो सेटिंग हमने करी थी वो चेंज हो चुकी है। चलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पर हमारी जो इमेज है पूरी तरीके से अच्छे तरीके से फिट बैठ चुकी है। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको ये जो मैंने सेटिंग्स बताई वो कैसे करनी है, और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज एक लाइक करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।